नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कान्हा रिपेयर पर। आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सीएससी सेंटर से हो रहा है। आपके नज़दीकी में जो भी सीएससी सेंटर है वहाँ से जाकर आप अपना पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पोर्टल है उस पोर्टल में हमको आ जाना है, पीएम विश्वकर्मा का ये जो पोर्टल है उसमें आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहां से हमको लॉगिन पर जाना है, सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है और सीएससी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है इस पर हमको क्लिक करेंगे। तो यहां हमको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नाउ का, और यहाँ आपको नो करना है दोस्तों, 18 वर्ष से ऊपर चाहिए, गवर्नमेंट कोई अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में हमको नो करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, वही नंबर को हमको यहाँ फिल करना है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपका जो भी नंबर है आधार कार्ड के साथ लिंक है वही नंबर को आपको यहाँ इंटर करना है, और यहाँ आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी कोड दिया है उसे हम इंटर करेंगे, यह हम चेक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ हमको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमको चेक करना है दोस्तों, यहाँ चेक करेंगे, वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे। आपको बायोमेट्रिक कनेक्ट कर लेना है कंप्यूटर में। देखिए जो हमारा बायोमेट्रिक है वो डिसकनेक्ट हो गया है, तो इसे हम फिर से निकाल कर कनेक्ट कर लेते हैं और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे, अंगूठा लगाएंगे और देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से ये सारा डिटेल आपका आधार से ले लेगा दोस्तों, जैसे आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और कुछ कुछ डिटेल है उसको हमको यहाँ फिल करना है। जैसे यहाँ हम मेरिट स्टेटस को फिल किए, इसी तरीके से कैटेगरी को यहाँ फिल किए, दिव्यांग है या नो, यस या नो, इसमें हमको यहाँ जवाब देना है। और यहाँ हमारा जो बिजनेस है वो हमारे स्टेट में है या नहीं है उसको हमको यहाँ देना है। तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है तो हम यहाँ नहीं डाले हैं दोस्तों, अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ आप यस कीजिए। आप हम नीचे आते हैं, यहाँ आएंगे तो हमसे पूछेंगे दोस्तों कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारे सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारा तो बिजनेस नहीं है तो हम यहाँ क्लिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड को अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से आप और कोई डिटेल अगर आपका छूट गया है तो यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी डिटेल को डिलीट करने के लिए डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। बाकी हमको नीचे आ जाना है, करेंट एड्रेस सेम आधार से करना है एड्रेस को, तो यहाँ हम यस करेंगे, नहीं तो फिर अदर पर क्लिक करके अदर एड्रेस डाल सकते हैं। अगर हमारा ग्राम पंचायत है तो यहाँ हम यस करेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ नो करेंगे। तो यहाँ हमारा ग्राम पंचायत है, यस किए। यहाँ से हम अपना ब्लॉक को फिल करेंगे, तो जो हमारा ब्लॉक है वो सिमगा है, तो हम सिमगा को सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत तो ढूंढ भी सकते हैं या तो फिर इसमें सर्च का ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किए। अब यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ हमको ऑप्शन मिलेगा ट्रेड का, तो आप कौन से ट्रेड के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस
ट्रेड को यहाँ से आप फिल कर लीजिए। आप चाहे तो इसे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन दिया है, हम टेलर का यहाँ डालेंगे। तो देखिए हमने सेलेक्ट किए और यहाँ हम क्लिक करेंगे और अपना बिजनेस एड्रेस को हम यहाँ सेलेक्ट किए हैं और एक बार हम अपना डिटेल को पूरे अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें स्टार नहीं लगा है दोस्तों, उसे फिल करना अनिवार्य नहीं है। जैसे हमारा पैन कार्ड है, उसमें कोई स्टार नहीं लगा है, आप अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ हमको अपना बैंक डिटेल डालना है दोस्तों, तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं, सर्च का ऑप्शन है तो, और यहाँ देखिए स्टेट बैंक हम यहाँ सेलेक्ट किए, एफएससी कोड डाल दिए। उसके बाद यहाँ हमको सर्च करना होता है, उसके बाद हम सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा ब्रांच जो रहेगा वो शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ अपना अकाउंट नंबर को फिल कर लेंगे। इसी तरीके से अकाउंट नंबर को यहाँ हम कंफर्म करेंगे, अच्छे से इसको चेक कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ आप माई बाय लेटर पर आप क्लिक करके लोन ले सकते हैं। 1 लाख का लोन लेंगे, 18 मंथ में इसको आपको चुकाना होता है और इसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5% इंटरेस्ट लगता है। हमको लोन नहीं लेना है दोस्तों, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया है, इसमें बेसिक जो ट्रेनिंग होगा वो 5 डे का होगा, एडवांस ट्रेनिंग होगा वो 15 डे का होगा, टूल किट जो मिलेगा वो 15,000 जो मिलेगा वो दिया गया है। और यहाँ अगर हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो प्रति डे हमको 500 रुपीस देगा। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ हमको एग्री करना है, एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां हमको एप्लीकेशन नंबर हमको मिल जाता है। इस एप्लीकेशन को स्क्रीनशॉट करके रख ले या इसे नोट कर लीजिए और यहां से हम इसको डन पर क्लिक करेंगे और यहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे हम डाउनलोड करेंगे। नीचे में आएंगे तो यहां हमको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और ये तीसरा जो स्टेप है ये अप्रूवल होने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।